YouTube family. I hope all of you are doing absolutely good and your studies are also going well. So welcome back to another vlog. तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। हम सभी को लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है और अगले इंसान की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। हमेशा शिकायत करते रहते हैं हम कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, हमारी लाइफ में हमेशा दुख ही दुख है, ऐसा क्यों है। तो एक बार एक व्यक्ति था जिसको भी ऐसी ही सेम प्रॉब्लम थी। वो हमेशा परेशान रहता था कि मुझे ही इतना दुख क्यों है। वो हमेशा भगवान से शिकायत करता था। तो एक बार भगवान ने कहा, चलो ठीक है, अब अपना अपना दुख एक बैग में पैक कर कर ले आओ और आपस में बदल लो। जिसको जिसका बैग पसंद है वो तुम ले लो। फिर सभी की वहाँ पर भीड़ लग गई और सब आपस में बैग बदल रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति था उसने अपना ही बैग उठाया और वापस चला गया। तब भगवान ने पूछा, तुम्हें तो बहुत ही शिकायतें थी, फिर तुम्हें दुख था, फिर तुम अपना ही बैग क्यों ले आए। आदमी ने कहा, जब दूसरे का बैग देखा तो अपना बैग छोटा मालूम पड़ा। कम से कम मैं अपने दुख से परिचित हूँ, मैं अपने दुख और प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करूँगा ये तो मुझे पता है, इसलिए मैंने अपना ही बैग लिया। ये भी हमारी लाइफ से को जोड़ती है ना। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें क्या नहीं मिला जो दूसरों को मिला है। हम ये नहीं देखते कि जो हमें मिला है बाकी कितनों को नहीं मिला है। हम सुख के पीछे भागते हैं, दुख से पीछा छुड़ाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सुख तो कमज़ोर बनाने के लिए आता है, लेकिन दुख हमें मजबूत बनाने, एक सफल इंसान बनाने। तो चलिए इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसको लगाने में मुझे लगभग 3 घंटे लग गए थे कंप्लीट, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट था और 1 घंटे मुझे एनालिसिस में चले गए। मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स तो नहीं मिले, बट एवरेज ही मार्क्स आए थे। मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये मैंने पटना हाई कोर्ट का टेस्ट सीरीज दिया था। तो ये रहे मेरे टेस्ट सीरीज के मार्क्स, जो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तो हो गई थी दोपहर टेस्ट लगाते लगाते, तो लंच प्रिपेयर करने के बाद और खाने पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी लगभग 3 बजे अपना शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि SSC ने अब तीसरी बार स्किल करवा रही है तो मुझे शॉर्ट हैंड भी लिखना पड़ रहा है। मुझे लगा कि अब शॉर्ट हैंड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे फिर से वही करना पड़ रहा, तो इसको भी लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा रिटर्न पर मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही, इसीलिए मेरे मार्क्स शायद लो हो गए। तो आज है सिरवा बिसवा पर्व, जिसी के लिए मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी। बाजरे का आटा और आम का टिकोरा और गुड़ सब मिलाकर चढ़ाने गई थी। उसके बाद आज के दिन हम लोग खाते हैं सत्तू और आम का टिकोरा। आम का टिकोरा मतलब जो आम छोटे छोटे होते हैं वो। ऐसा माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन ख़त्म हो गया, अब गर्मी आने वाली है, नया मौसम आने वाला है, तो इसी के लिए मनाया जाता है ये पर्व। और ये बिहार साइड में ही मनाया जाता है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठंड की प्रैक्टिस हो गई थी लगभग 1 घंटे मैंने किया, उसके बाद इसको खेलना था तो ये बाहर चले गए खेलने के लिए। गंदा हो जाएगा, आज धोए थे ना उसको बहुत अच्छे से, धोए थे ना पाइप लगा कर। ये क्या कर रही हो? अभी लगभग बज रहे थे 4:30। मैं टाइमर नहीं लगा पाती क्योंकि ये या फिर उसको बंद कर देगी या फिर उसको लेकर भाग जाती है मोबाइल को, इसीलिए मैं टाइमर ही नहीं लगा पाती। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व लगभग 10 क्वेश्चन किए थे मैंने, जिसमें मुझे आधा घंटा लग गया था। मुझे टाइम को कम करना था और इस टाइम को मैनेज करना है कि और जल्दी कर सकूँ। मैं सॉल्व करती हूँ, देखते हैं मेरे कितने सही होते हैं। फिर ये लास्ट में चली गई घूमने के लिए अपने डैडी के साथ। फिर मैंने आराम से सॉल्व किया था।
ये मैंने पहले 5 अटेम्प्ट किए जिसमें से मेरे फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही और ये फोर्थ गलत, और ये फिफ्थ सही जिसमें से मेरे 4 सही हो गए, और फिर मैंने 5 और अटेम्प्ट किए जिसमें उसमें भी मेरे 1 गलत हो गए। और भी इम्प्रूव करना है क्योंकि यहाँ पे अगर 10 में से 2 गलत हो रहे तो एग्ज़ाम में और भी होने के ज़्यादा चांसेस, इसलिए मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हो गई थी शाम के चाय का टाइम, तो फिर चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आज रात में बनेगी कढ़ी और पकौड़े, तो उसी के लिए ये सारी सब्ज़ियाँ आई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको इसकी रेसिपी। इन बातों के साथ आज का वीडियो ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सफ़र के साथ, नए दिन के साथ। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।